नमस्कार किसान भाई, आपका खेती किसानी चैनल में स्वागत है। मैं इंद्रजीत कुशवाहा आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि गन्ना की खेती कैसे करें। चलिए दोस्त, ये गन्ना की खेती बहुत ही अच्छा है, हम इसमें काफ़ी इनकम अर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्त, मैं दिखा रहा हूँ। ये किसान भाई का गन्ना की खेत है, इसमें गन्ना लगाए हैं। और मैं बता दूं, ये गन्ना मार्च अप्रैल दो महीना लगाए जाते हैं। ये देखिए, ये मार्च के लगाए हैं और ये काफ़ी छोटे छोटे उगे हैं और इसमें काफ़ी घासें थी, खर पतवार, तो उसके लिए इन्होंने खुदाई कर दिए हैं कि घास जो है खर पतवार सूख जाएंगे। मैं दिखा दूँ, इन्होंने ये गन्ना लगाया है इस खेत में और इसको अच्छे तरीके से खुदाई कर दिए हैं। अब ये बरसात का मौसम आ गया है, इसमें कौन सा खाद डालेंगे और कौन सा दवा डालेंगे, मैं इसमें तमाम जानकारियाँ आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपके यहाँ पहुँच जाए। शेयर करना ना भूले, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। चलिए दोस्त, मैं आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ। देखिए, मैं दिखा दूँ, ये एक महीना बाद, खुदाई करने के एक महीना बाद ये गन्ना इतना बड़ा बड़ा हो गया है। अब ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं और इसमें पुनः फिर से घास, काफ़ी खर पतवार हो गए हैं, तो इनको किसान भाई फिर से खुदाई करेंगे, घास को निकालेंगे। और इसमें अब बारिश का समय आ गया है, जून का महीना हो गया है, तो बरसात में इसमें कौन कौन से खाद और कौन से दवा डालें, क्योंकि बारिश में तमाम रोगे पकड़ते हैं, चींटियां काफ़ी लगती हैं, दीमक लगते हैं और ऐसे ही काफ़ी कीड़े लगते हैं, ये पीले होने लगती है और सूखने लगते हैं। देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था, अब इसमें रोग लगने लगे हैं। देखिए, ये पीले हो रहे और सूख रहे हैं, तो इनमें कौन सा दवा डालें और कौन से खाद डालें। चलिए दोस्त, मैं आपको तमाम जानकारियां बता रहा हूं। देखिए दोस्त, मैं इन किसान भाई के खेत में आया हूं और ये घास को काट दिए हैं और इसमें गोबर का खाद डाले हैं। देखिए, मैं दिखा दूं, ये कंपोस्ट गोबर की खाद है और इसमें रोग भी लग गए हैं, सूखने लगे हैं। अब इसमें घास को काट कर और खुदाई कर रहे हैं। चलिए, मैं उनसे जानकारियां लेता हूं। देखिए, हम इन किसान भाई के खेत में आए हैं और इनसे जानकारियां लेंगे। देखिए, ये गन्ना के खेत लगाए हैं और इनमें ये खुदाई कर रहे हैं, कौन कौन से खाद, कौन कौन से दवा इसमें डाले हैं और इसको कितने बार खुदाई कर दिए हैं ताकि इसमें घास ना हो, इनसे जानकारियाँ लेते हैं। किसान भाई, आपने खेत में गन्ना लगाने से पहले इसमें कौन कौन से खाद और दवा डाले थे? खाद दो ठे खाद डाले थे इसमें। कौन कौन से डाले थे? हाँ, और फोरेट डाले थे। उसके बाद तो पौधा के लिए डाले थे, फोरेट कीटनाशक के लिए डाले थे। वो कीटनाशक में जैसे कौन कौन से कीड़े वो मार सकता है? वो देवकाओं का टाइप का लगते हैं, चीटिया, देवका, चीटी उटी, छोटी छोटी चीटिया लाल वाली जो लगती है। उसके बाद डाले थे, उसके बाद इसको दो तीन पानी दिए हैं। हाँ, और दूसरी खुदाई कर रहे हैं और दूसरी खुदाई वक्त ये गोबर वोबर डाल दिए इसमें। उसके बाद कुछ दिन बाद, मतलब महीने के बाद, अगले महीने में अगस्त तक इसमें कोराजन करके एक दवा आती है, उसको छिड़काव करेंगे। तो कोराजन किसके लिए करते हैं? ताकि इसका जो पत्ता होता है सूखे नहीं, हरा भरा रहे, हरा भरा रहे, खेत देखने में अच्छा लगे, और इसी के लिए डालते हैं। अच्छा, आप इस खेत को कितने बार खुदाई कर दिए हैं? एक बार किए हैं, दूसरी बार कर रहे हैं इसको। और इसमें ये घास मारने वाला दवा आता है कि इसको घास से, हाथ से साफ किए हैं? अब हाथ से क्या साफ किया, ऐसे ही खुदाई कर देते हैं, सब सूख जाता है। खुदाई करने के बाद ये सूख जाता है। आपने इस गन्ने को कौन सा महीना में लगाया था और बोने से पहले आपने क्या किया किया और अब तक इतने अच्छे गन्ने हो गए हैं, इसमें कौन कौन सा खाद और कौन कौन सा दवा डाले हैं, आप इसको डिटेल में थोड़ा बताइए। गन्ने की खेती फरवरी से और मई तक, 15 मई तक होती है। हमने अप्रैल में इसको लगाया था, लगाते टाइम मैंने फोरेट डाला था कीटनाशक के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, जड़ में।
और डाई डाला था पौधे के लिए, उसके बाद मैंने इसमें दो तीन पानी दिया है, एक बार कोड़ दिया है और गोबर की खाद डाली है एक बार, और इसमें कुछ नहीं डालेंगे, इसको एक बार और खुदाई करेंगे। खुदाई करने के बाद इसको ऐसे धूप में जलने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद फिर बारिश वारिश होगा, उसके बाद कोराजन करके एक दवा आती है जो इसको हरा भरा रखे, इसलिए इसको डालेंगे, और इसमें कुछ नहीं डालते हैं और खाद थोड़ा ज़्यादा यूज करते हैं। और ये गन्ना ऐसे लगा है, इसमें माटी चढ़ा देंगे ताकि हवा वहा आधी आए, बारिश में ये गिरे ना। ये गन्ना की देखिए, किसान भाई तमाम जानकारियाँ दिए और ये जानकारी बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतर है। मैं बता दूं ऐसे ही और एक जानकारी लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। नमस्कार।